जी इसी, जहाँ तक अभी मैंने पेप्सी का लोगों के ऊपर काम किया, इसी से आगे मैं काम इसी को लेकर चलता हूँ, इसी शेप को। ये शेप आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, नहीं आई तो किसी वीडियो को आप दोबारा से, इससे पहले वाली जो वीडियो है तो उसको आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, कि पेप्सी का लोगो कैसे बना है। उसके बाद मैं इसमें से एक पोर्शन को उठाकर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसका कलर मैं चलें ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, उस पर दोबारा क्लिक किया और यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट कर दिया, ये रोटेट हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद कंट्रोल का बटन होल्ड रखा और राइट साइड पे लाकर राइट क्लिक किया तो इसी की एक कॉपी निकाली, ठीक होगी बात, और साइड से ज़रा इसे छोटा कर दिया, दोबारा क्लिक किया और इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर रखा और थोड़ा सा मूव कर दिया, ठीक हो गया। अब 3 पॉइंट कर्व की ऑप्शन है, इसे प्रेस किया और यहाँ पर ला कर इसे एक दफ़ा छोड़ दिया, फिर नीचे की जाली ला कर इसे दोबारा इसे क्लिक किया, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर एक कार्टून शेप बड़े आराम से बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसकी आइज या लिप्स को बनाता हूँ, ठीक है, तो वो देखें कि किस तरह से बनती हैं। यहाँ पर आकर एक सीधी लाइन ड्रॉ की और इसी लाइन की एक कॉपी में पहले से ही निकाल कर अलग से रख देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ से गाइडलाइन को लिया, यहाँ ला के छोड़ दिया, ठीक हो गया। और फिर शेप टूल को सिलेक्ट किया, इस नोड को दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ पर हैंडल आ गया, इस हैंडल को लिया और यहाँ पर इसके साथ स्नैप टू के ऑप्शंस को ऑन रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पर आकर स्नैप टू गाइडलाइन की ऑप्शन को ऑन करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इस हैंडल को यहाँ से उठाया और इसके साथ यहाँ पर लाकर रख दिया, ठीक होगी ये बात, ठीक है। और बेशक और उठाना है तो और ज़्यादा से ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए नीचे लेकर आया, राइट क्लिक किया तो ये मेरे पास एक आई का पैक बन गया। इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन करके इन दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन एंड टू ज्वाइन, एक सर्कल को मैंने यहाँ पर रखकर तो ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने ब्लैक कलर को फिल किया, यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दिया और यहाँ से इसकी एक कॉपी मिरर वाले साइड पे निकाल दिया, ठीक हो गया। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं साई को उठाकर यहाँ पर जाकर छोड़ देता हूँ। अब आई का साइज मजीद आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ लाकर यहाँ पर रख दिया ताकि आपको वाजिया ये चीज़ें नजर आए। इसी तरह मैं इस लाइन पर आता हूँ और इस लाइन के सेंटर में डबल क्लिक करता हूँ, टू कर्व करता हूँ, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद गाइडलाइन को ज़रा करीब लेकर आता हूँ,
यहाँ से पकड़ा और इसके साथ यहाँ पर मिला दिया। गार्डन इसलिए ही, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही ऊंचाई जो है वो इस साइड की होनी चाहिए। अगर गार्डन नहीं लेता तो इसमें फर्क आ जाता। अब फर्क तो नहीं आया, ठीक है। अब 3 पॉइंट कर्व का इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पर। इस नोड के ऊपर लाकर क्लिक किया और इस नोड पर लाकर यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब जितने मर्जी बड़े आप लिप्स बना लें, इस पे कोई भी कलर फिल कर दें, लेकिन ज्वाइन करने के बाद पहले कंबाइन कीजिएगा। कंबाइन ही है जी, दरम्यान में भी लगा लें लाइन, ठीक है। लगाना चाहते हैं आप लगा लें। ठीक है, दरमियान में भी आप एक लाइन लगा लें, ठीक हो गई। मैं फिलहाल नहीं लगा रहा, आप लगाना चाहते हैं लगा लें इसे, ठीक है। इसको उठाकर मैंने यहाँ पर इसको, क्लियर होगी बात। पूरा फेस यहाँ पर तैयार हो रहा है, कार्टून शेप जो है वो इस वक्त आपकी तैयार हो रही है। और आगे देखें, ये सारा काम किससे कर रहा हूँ मैं, शेप टूल से कर रहा हूँ, ठीक होगी बात। थ्री पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, नीचे की तरफ ले आया मैं इस लाइन को, यहाँ पर रख के एक दफ़ा छोड़ा, यहाँ पर ला दोबारा से क्लिक किया और फिर यहाँ पर आप चेक करें। कंट्रोल जी मतलब ग्रुप कर दिया, ये आपके पास यहाँ पर कार्टून शेप जो है वो तकरीबन कंप्लीट होगी। फिर आगे चल के कुछ और टूल भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप इसी फेस के ऊपर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो शेप कुछ की कुछ बननी शुरू हो जाएगी और बेहतर इफेक्ट आने शुरू होगी, ठीक है। अभी ये शेप टूल्स के साथ एक स्केच मैंने खड़ा किया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक होगी बात।